भगवान श्री कृष्ण परम अवतार माने जाते हैं। श्रीहरि का एक ऐसा अवतार जो कि पृथ्वी में आने के बाद सबसे ज्यादा पूजनीय कहलाया। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने पर सीधे सीधे बैकुंठ धाम प्राप्त होता है, जीवन और मृत्यु के चक्र पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के बैकुंठ लौटने के बाद ही इस दुनिया में कलयुग का आरंभ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग भगवान श्री कृष्ण की एग्जिस्टेंस पर विश्वास नहीं करते, और कुछ लोग करते भी हैं तो ये कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान थे ही नहीं, अवतार थे ही नहीं। तो उन सारे लोगों के मुंह पर करारा जवाब होगा आज का ब्लडी सत्य का हैरान कर देने वाला अनोखा एपिसोड, जिस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने इस दुनिया में आज के टाइम में भी मौजूद ऐसे 5 सबूतों के बारे में बताने वाला हूं, जिस सबूतों को जानने के बाद आप लोग ऊपर से नीचे तक हिल जाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण की एग्जिस्टेंस पर अगर आप लोग विश्वास नहीं करते हैं तो सच बता रहा हूं, आज से उनके भक्त बनने पर मजबूर हो जाएंगे। पहले सबूत की बात करेंगे बिना ज्यादा वक्त जाया किए। यह सबूत मिला मथुरा पर, जी हाँ, श्री कृष्ण की जन्मभूमि, एक ऐसी जगह यहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कंस का कारागार यहीं पर था। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद काफी सारी लीलाएं प्रकृति ने रची थी। जैसे कि आप सभी लोगों को एक पता होगा कि कैसे नंद बाबा जब श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर ले जा रहे थे तो कैसे इतनी ज्यादा मात्रा में बारिश हुई थी और कैसे एक नाग आ गया था जो कि श्री कृष्ण का छत्र बन गया था। दोस्तों, क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि आज से ठीक 97 साल पहले मथुरा में स्थित विश्राम घाट के पास के एक मंदिर में खुदाई की गई थी, जिस खुदाई में ये शिलालेख मिला। जी हाँ, इसे आप ध्यान से देखिए, देखकर लग रहा है ना कितना ज्यादा पुराना होगा। जब इसके ऊपर शोध की गई, इसी कार्बन डेटिंग की गई, इतिहासकारों ने पता करने की कोशिश की है कि ये शिलालेख कितनी ज्यादा पुरानी हो सकती है, तो क्या आप लोग जानते हैं क्या पता चला? ये समझ में आया कि ये शिलालेख लगभग 4 से 5 हजार साल पुरानी है। अगर 4 से 5 हजार साल पहले, बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतनी पुरानी चीज अभी तक कैसे एग्जिस्ट करेगी, तो करती है। डायनासोर्स के भी अवशेष ऐसे ही मिले थे ना, तो ऐसे ही श्री कृष्ण का एक प्रमाण मथुरा की भूमि चीर कर दुनिया वालों के सामने निकला और ऐसे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा पड़ गया जो कि भगवान श्री कृष्ण की एग्जिस्टेंस पर विश्वास नहीं करते थे। अरे, अगर आप लोगों ने आर्यभट्ट के बारे में सुने होंगे या पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि आर्यभट्ट ने भी ये बताया था कि महाभारत का युद्ध करीब करीब 3100 ईस्वी पूर्व हुआ था। 4 से 5 हजार साल पहले के सबूत, अगर ये काल्पनिक घटना होती तो केवल आज की दुनिया के सामने ही होती। कैसे अगर ये काल्पनिक थी तो इतने पुराने जमाने में भी एग्जिस्ट करती थी। श्री कृष्ण का वजूद इस दुनिया में था, पहले सबूत से ये समझ में आ जाता है, दुनिया का कोई भी इंसान टाल नहीं सकता। आइए अब दूसरे सबूत की बात करते हैं जो कि है द्वारका नगरी का। अब सभी लोगों को पता होगा महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दी थी कि आपकी नगरी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। गांधारी के श्राप की वजह से ही महाभारत के युद्ध के 35 साल बाद द्वारका नगरी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिस वजह से काफी कुछ खत्म हो गया। काफी सारे वीडियोस में मैं आप लोगों को जानकारी दे चुका हूं, इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि एक ऐसी आपदा आई थी जिसकी वजह से पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई थी। जब ये बात दुनिया वालों के सामने आई, दुनिया इतनी ज्यादा एडवांस हो गई, तो वहां के पास के समुद्र में इतिहासकारों ने खोज करवाई। ये तो पता होगा ना कि उस खोज में समुद्र के अंदर से कुछ ऐसे अवशेष मिले थे जो कि सीधे सीधे ये दावा कर रहे थे कि ये अवशेष किसी और से नहीं बल्कि श्री कृष्ण से ही रिलेट करते हैं, जिनका जिक्र काफी बार हमें काफी सारे ग्रंथों में, काफी सारे पुराणों में भी मिला है। कार्बन डेटिंग करने पर इनके भी ये पता चला कि ये सारे अवशेष 4 से 5 हजार साल पुराने। अगर श्री कृष्ण, महाभारत और द्वारका नगरी काल्पनिक थी तो कैसे समुद्र के अंदर से एक पूरी की पूरी नगरी मिली जो सीधे सीधे प्रूव कर रही थी कि ये सारे प्रमाण सीधे सीधे श्री कृष्ण से ही रिलेट करते हैं। आइए अब बात करते हैं तीसरे नंबर के सबूत की, जो कि कोई और नहीं बल्कि है निधिवन का सबूत। काफी सारे वीडियोस में बेशक, और मैं खुद जाकर भी वहां पर दर्शन किया हूं ऐसी पावन भूमि का, आप लोगों को बताया हूं जाकर भी, बैठे बैठे भी, कि निधिवन कितनी चमत्कारी जगह है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर भगवान श्री कृष्ण आज खुद आते हैं और इस प्रमाण को कोई भी झुठला नहीं सकता। हर सूर्यास्त के बाद निधिवन के पट को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है और अलौकिक रोशनी को भी निकलते हुए कई बार बाहर से देखा गया है। निधिवन के अंदर कौन सा चमत्कार होता है, कौन सा नहीं, ये तो आज तक किसी को नहीं पता चला, लेकिन हाँ, काफी सारे लोग जिन्होंने जाने की कोशिश किए हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के वजह से उनके तेज को बर्दाश्त कर पाए हैं,
उनसे ये चीज तो दुनिया को पता चली है कि भगवान श्री कृष्ण निधि वन में आज भी अपनी गोपियों संग राधा रानी संग प्रकट होते हैं। वहां के मंदिर में भी काफी सारे ऐसे आए दिन सबूत मिलते हैं जिसे देखकर आप नहीं झुठला सकते श्री कृष्ण की एग्जिस्टेंस को, और ये भी कि आज भी वो निधि वन में आते हैं। जी हाँ, अगर आप यहाँ के मंदिर के बारे में देखेंगे तो मंदिर के पट बंद होने से पहले एक सेज सजाई जाती है, और सुबह उठकर जब वापस से खोला जाता है तो जो पिछली रात को सेज सजाई गई थी वो बिखरी हुई मिलती है। प्रसाद पान झूठा हुआ मिलता है, दातून किए हुए मिलते हैं, और श्रृंगार का सामान जो राधा रानी के लिए रखा गया था वो भी उपयोग किया हुआ दिखाई देता है। निधि वन के पेड़ों को ही आप देखेंगे तो वो पूरी तरह से खोखले दिखाई देते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ से पूरे हरे भरे। ये कैसा चमत्कार हो सकता है? लोग ये भी मानते हैं कि ये जो पेड़ हैं ये दरअसल गोपियां ही हैं जो हर सूर्यास्त के बाद अपने असली रूप में आती है, श्री कृष्ण के साथ रासलीला होती है और फिर उसके बाद वो चले जाए। अब रासलीला को मिसअंडरस्टूड मत कीजिए, रासलीला मतलब एक नृत्य कला होती है, डांस फॉर्म। जी हम बात करते हैं चौथे नंबर के सबूत की, जो कि इंडो ग्रीक के एक राजा एगेथोग्लस से रिलेट करता है। दरअसल उस जमाने में जो राजा रानी हुआ करते थे, किंगडम साम्राज्य संभालने वाले लोग हुआ करते थे, वो लोग जो करेंसी डिजाइन करते थे तो उनके पीछे अक्सर जो बहुत ही स्ट्रांग लोग, बहुत ही जाने माने लोग, देवी देवताओं होते थे, उनकी तस्वीर को छपवाया करते थे। तो इंडो ग्रीक किंग एगेथोग्लस ने भी अपने एक किंगडम में करेंसी बनवाया था, जिस करेंसी को आप ध्यान से देखेंगे तो क्या पाएंगे भाई? यही पाएंगे कि सीधे सीधे ये करेंसी श्री कृष्ण को ही दर्शा रही है। ध्यान से देखिए, देखकर यह समझ में आ रहा है कि कोई खड़ा है जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, कमर में एक तलवार बंधी हुई है। साफ साफ समझ में आता है कि ऐसा उल्लेख किसी और के बारे में नहीं, श्री कृष्ण के बारे में ही मिलता है। इसकी भी जब कार्बन डेटिंग हुई, समझ पाए इसे लोग, तो इतिहासकारों ने क्लियर किया कि ये करेंसी आज से 120 से लेकर 180 ईस्वी पूर्व की, वो जमाने में तो टीवी फिल्म पिक्चर एग्जिस्ट नहीं किया करते थे ना, तो फिर क्यों काल्पनिक कहानियां बनेंगी? सच्चाई रही होगी तभी तो देश विदेश के शासक भी इस चीज के ऊपर विश्वास करते थे, और सबूत के तौर पर दुनिया के सामने उन्होंने भी लाने की कोशिश किए थे। खैर, अभी डायरेक्टली बात करेंगे पांचवें नंबर के सबूत की। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता कभी पढ़े हैं? नहीं, पढ़कर देखिए, समझ में आएगा कि एक ऐसा महापुराण, एक ऐसा महाग्रंथ कोई इंसान लिख ही नहीं सकता। ऐसे ग्रंथ, ऐसे पुराण को लिखने के लिए दिव्य ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और किसी इंसान के पास इतना ज्यादा ज्ञान होना असंभव है। लोगों की माने तो श्रीमद् भगवद गीता में मौजूद हर एक श्लोक के ऊपर एक नई पुस्तक लिखी जा सकती है। इसमें इस तरह का परम ज्ञान है जिसे पढ़ने के बाद आप जीवन, मृत्यु, रिश्ते, नाते, मोह, माया सब कुछ डिटेल में समझ सकते हैं। विश्वास मानिए, ये पढ़कर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। माना जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता में वो सारी चीजों का उल्लेख है जो कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले की थी। और ऐसे दोस्तों, ना जाने कितने सारे प्रमाण हैं जो मैं कभी कोशिश करूंगा ना आप लोगों के सामने लेकर आने की, तो एक वीडियो ना मेरा 50 घंटे का बन जाएगा। सही में दोस्तों, किसी एक ग्रंथ या पुराण को पढ़कर हम भगवान श्री कृष्ण के इतिहास को, उनकी जीवन को हम नहीं समझ पाएंगे। उनका जीवन बहुत बड़ा रहा होगा, बहुत बड़ा। कैसे एक ग्रंथ या पुराण की मदद से हम उनके जीवन को समझ सकते हैं? लेकिन आज की दुनिया में भी आप अपने इर्द गिर्द भी नजर डालेंगे ना तो आप लोगों को बेशक इतने सारे प्रमाण मिल जाएंगे, जिन प्रमाण को आप नोटिस करने के बाद किसी भी तरह से उनकी एग्जिस्टेंस को नकार नहीं पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में दी हुई जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अब तक देखे हैं, पसंद किए तो लाइक करके शेयर जरूर करना अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ, ताकि सच्चाई सभी लोगों तक पहुंचे एक मनोरंजन के साथ साथ। चलिए दोस्तों, इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम में भी आप लोग मुझे कोई टॉपिक या कहानी लिखकर भेज सकते हैं जो आप चाहते हैं पूरी दुनिया के सामने मेरे वीडियो के जरिए है। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। कल एक हॉरर स्टोरी के साथ आऊंगा।